फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्वेशा क्रिएटिविटी। और आज का वीडियो है बहुत ही खास फर्टिलाइज़र को लेकर के, और वो फर्टिलाइज़र आपके कई सारे काम में आएगा। जैसे कि आपके पौधों पर यानी फूलों पर अगर कलियां नहीं बन रही हैं तो ये देखिए कलियां भी बनाएगा, और साथ ही साथ अगर आपके पौधों के पत्ते जो हैं वो पीले पड़ रहे हैं, यानी कि वो इतने हरे नहीं होते हैं जितने कि आप और के या नर्सरी पर आप पौधे देखते हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छे हरे भरे पत्ते होते हैं पौधों के। लेकिन अगर आपके फूलों के या पौधों के पत्ते जो हैं वो हरे भरे नहीं हैं तो वो पत्तों को ज़्यादा हरा करेगा। स्पेशली ये पत्तों वाले प्लांट के लिए हैं कि अगर आपके जो भी पत्तों वाले पौधे हैं अगर उसमें अच्छे से पत्तों का रंग ग्रीन नहीं है तो उसको भी करेगा अच्छे से ग्रीन, और फूलों की मात्रा भी बढ़ाएगा। और आपको दिखा दूं उससे पहले, ये देखिए मेरे ये एक्सोरा में काफ़ी सारी कलियां बन रही हैं। जब भी फूल खिलेंगे तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और ये था, मैंने आपके साथ में कटिंग से लगाना शेयर भी किया था। तो पता क्या होता है कि जितनी भी घर के अंदर फर्टिलाइज़र होते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइज़र घर में मौजूद हैं और फिर भी हम बाज़ार से फर्टिलाइज़र खरीदते हैं। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी जो मैं खुद करती हूँ। मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बाहर से फर्टिलाइज़र खरीदती हूँ, मैं घर के ही फर्टिलाइज़र अपने सभी पौधों में देती हूँ। और उससे आप देख सकते हैं कि मेरे जो बेल्कनी गार्डन हैं उसमें पत्ते भी हरे भरे रहते हैं और जो पौधे होते हैं वो भी सुंदर लगे रहते हैं। और आपको दिखाऊं, ये तुलसी मैंने लगाई थी, अपने आप ही बीज झड़ करके लग गई थी। और ये मैंने कैसे लगाई थी आपके साथ में शेयर भी किया था। अगर आपने नहीं चेक किया है वो लिंक, तो उसका लिंक मैं दे दूंगी आपको, आई बटन पर दे दूंगी, आप जा करके चेक कर सकते हैं। और ये जो है, देखिए आपको दिखा दूँ, पहले ये ड्रेसिना का प्लांट है मेरा, काफ़ी अभी अच्छा से ग्रोथ हो रही थी लेकिन इसमें ये कीड़ा लग गया था, इसको मेरे को निकालना है, जिसकी वजह से उसने पत्ते खा लिए हैं और इसने पप्स दिए हैं काफ़ी सारे, उन्हीं पप्स को मैंने इसमें लगाया है। और ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है और धीरे धीरे करके इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो अगर आप इस तरह के प्लांट्स को उसमें रखेंगे, जैसे ब्राइट लाइट में रखेंगे, तो इनका कलर अच्छा होता है। और ध्यान रखें, कई मुझसे पूछ रहे थे कि फ्रेंड पूछ रहे थे कि आपके जो ड्रेसिना है उसका कलर जो है वो मरून कलर है, हमारे ड्रेसिना का कलर ग्रीन है। तो अगर आपके कलर ग्रीन ही होगा फिर तो वो ग्रीन ही रहेगा, लेकिन अगर आपने मरून कलर का ड्रेसिना ख़रीदा है, ये छोटी हाइट वाला है, तो छोटी हाइट वाला जो होता है वो पप्स भी देता है। और इसमें कलर आपको देखिए, जब आप हम छोटे छोटे पप्स लगाते हैं तो ये ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो करता है, जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे ये अपना आप इसका कलर चेंज होता रहता है। लेकिन इसके लिए भरपूर लाइट वगैरह, जैसे इसकी कंडीशन होती हैं वो अगर आप देंगे तो ये अच्छे से चलेगा। तो हम बात कर रहे थे फर्टिलाइज़र के ऊपर, तो फर्टिलाइज़र क्या है, और ये देखिए ये मैंने लिया है पानी, तो पानी फर्टिलाइज़र नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि हमारे अक्सर घरों में यूज़ होती है, तो वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा पानी क्यों रखा है और ये क्यों रखा है, ये क्या चीज़ है। तो ये है अनार के छिलके। अनार तो हम सभी के घरों में खाया जाता है और अक्सर इन छिलकों को हम फेंक दिया करते हैं, लेकिन इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है और पौधों की को हरा भरा बनाने के लिए या पौधों की पत्तियों को ज़्यादा हरा भरा बनाए रखने के लिए हमें अनार से अच्छा जो होममेड फर्टिलाइज़र है वो हो ही नहीं सकता। इसमें बहुत सारे विटामिन्स प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप अनार के छिलकों को डायरेक्ट मिट्टी को खोद करके मिट्टी के अंदर दबा दें, तो वो थोड़े दिनों के बाद में डीकम्पोस्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, डीकम्पोस्ट हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपके पौधे जो है वो हरे भरे रहेंगे। लेकिन डीकम्पोस्ट करने में एक दिक्कत ये आती है कि आपका जो पौधा है वो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें डीकम्पोस्ट करने के लिए लगा देंगे, अगर जैसे मान लीजिए केले के छिलके डीकम्पोस्ट करने के लिए मिट्टी के अंदर दबा दिया या ये दबा दिया, तो क्या होता है कि एक बार में अगर बरसातें वगैरह हैं या उसके कंडीशन ठीक नहीं हैं, मौसम चेंज होता ही रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पौधे की मिट्टी में ना कीड़े भी बनने
शुरू हो जाते हैं और मिट्टी में फंगस लगने का डर रहता है। तो मैं कभी भी किसी भी फ्रूट्स वगैरह के छिलके जो होते हैं वो डीकम्पोस्ट करने के लिए अपने पौधों की मिट्टी में नहीं दबाती। तो दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है कि इन्हीं छिलकों को आप पानी के अंदर डिप करके रखें, कम से कम 7-8 दिन रखेंगे तो काफ़ी है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने ये करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये लगभग एक हफ्ता हो गया है इसको मैंने पानी के अंदर डिप करके रखा था। ये सभी अनार के छिलके हैं और मैं कभी भी नहीं फेंकती। हालांकि ये देखिए आपको ऊपर फंगस जैसी लगी हुई दिखेगी, लेकिन ये कोई बात नहीं और इनको आप दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो कभी भी इस तरीके से छिलके नहीं फेंकती हूँ। इसको दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं, डिकम्पोज करने के लिए रख सकते हैं, आप इससे दोबारा से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो अगर 8-10 दिन रखेंगे तो फिर से अभी इसके अंदर इतने ही न्यूट्रिएंट्स दोबारा से हमारे पौधों को मिल जाएंगे। तो ये मैंने क्या किया है, इसको मैंने निकाल लिया है और आप देखेंगे इसका कलर कुछ इस तरीके से हो गया है। अब करना क्या है, इस पानी के अंदर दुगना पानी हमें मिलाना है। तो ये वाला पानी जो है, इस पानी के अंदर मैंने ये दुगना पानी मिला लिया है। और ये जो चीज़ है ना, आप देखेंगे ये जो नीचे जम गया है इसको साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको साफ़ करके इसी में मिक्स कर लेंगे हम। और इस पानी को आप चाहे तो छान सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही मिला सकते हैं। और बहुत अच्छी मात्रा में इसमें आयरन होता है, लेकिन दवा के रूप में यूज़ करें सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा, तो बहुत ज़्यादा नहीं, एक एक कप आप पानी सभी पौधों में इतना इतना पानी दे सकते हैं। तो आज की जानकारी इतनी ही थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर दें। जल्दी ही मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।